हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी स्टडी जोन। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड दारोगा के प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हमने पार्ट वन में जेके का 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के 30 क्वेश्चन और साइंस के 20 क्वेश्चन जो दारोगा 2017 में पूछा गया था। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी झारखंड से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेएसएससी सीजल की तैयारी कर रहे हैं, तो 2015 और 16 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल हैव सर्वड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सिंस इट्स क्रिएशन इन 2000। सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। कौन कौन से लोग हैं? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा और रघुवर दास। इस तरीके से 6 लोग हैं जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। अच्छा, अगर नंबर वाइज देखें तो ये हेमंत सोरेन 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट इन ईयर 2000, फॉर हाउ मनी टाइम्स प्रेजिडेंट रूल्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 3 बार। 3 बार कब किया गया है? सबसे पहली बार किया गया है 19 जनवरी 2009 को, जब सीएम थे शिबू सोरेन। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे था 1 जून 2010 को लगा था, जिसमें सीएम फिर से थे शिबू सोरेन। उसके बाद आखिरी में यानी कि तीसरे नंबर में तो लगा था 18 जनवरी 2013 को, उस समय चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजिडेंट रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2009 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि 3 बार राष्ट्रपति शासन कब कब लगा हुआ है। सबसे पहले 2009 में, उसके बाद 2010 में और उसके बाद 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड इन ईयर 2000, हाउ मेनी पीपल हैज सर्वड एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 लोगों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। और प्रथम कौन थे? प्रथम थे प्रभात कुमार। अच्छा, झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? ये भी है द्रौपदी मुर्मू ही। और द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 को पद पे आसीन हुई थी और दोबारा से इन्हीं को चुना गया है राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, झारखंड इज रैंक्ड एट विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 28 स्टेट। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम यूटी की बात करें, भारत में यूटी की संख्या कितनी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? अभी 8 है, 9 नहीं है। सभी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 9 है, 9 नहीं है, क्योंकि पहले ये संख्या 7 थी, 7 के बाद हो गई 9। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटी बनने के बाद टोटल 9 हो गया। लेकिन फिर से 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को मिला के एक सिंगल यूटी बना दिया गया, एक सिंगल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरीके से 9 से 1 घट के कितना हो गया? 8 यूटी हो गया। तो अभी टोटल 8 यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है और 28 स्टेट्स है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट ऑन नवंबर 15, 2000 इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी फ्रॉम झारखंड। तो इसका आंसर आई होप सभी जानते होंगे, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। तो किसका है? सभी जानते हैं ये किसका है, बिरसा मुंडा का है, जिनको धरती आबा या भूपिता के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ राजभवन ऑफ झारखंड, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सदालो ब्लेयर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द 4 सिल्क पार्क प्लांटेड टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय झारक्राफ्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिडीह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गिरिडीह को झारखंड धाम के नाम से जाना जाता है, दुमका के गांव है मलूटी जिसको मंदिरों के गांव के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गिरिडीह जिला कब बना था? 1972 में बना था। और दुमका जिला कब बना था? 1855 में बना था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है सभी जानते हैं, कॉपर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, यानी कि तांबा उद्योग के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एल्युमिनियम उद्योग के लिए मुरी, सीमेंट उद्योग के लिए पलामू का जपला, और लोहा उद्योग के लिए जमशेदपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बॉक्साइड इज अबंडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लोहरदगा में पाया जाता है सबसे ज्यादा। घाट जिला में क्या पाया जाता है? तांबा। कोडरमा में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा माइका पाया जाता है, यानी अभ्रक की राजधानी कहा जाता है कोडरमा को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉपिंग सीजन इन झारखंड, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है, फसल का मौसम नहीं है, कौन सा होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इसका जायद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुछ प्रमुख फसलों की, तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल है धान, गन्ना, मक्का, ज्वार। ये बोया कब जाता है? मानसून के आगमन पर, यानी कि जून जुलाई में यह बोया जाता है, और काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में, यानी कि मानसून के समापन पर। अगर हम रबी की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूं, जौ, चना, तिलहन, ये सब हो जाएगा। अच्छा, ये बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में और काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में। अच्छा, एक फसल है जायद, ठीक है, जायद फसल जो कि झारखंड में नहीं पाया जाता है, ये क्या होता है? ये बोया जाता है मार्च अप्रैल में और काट लिया जाता है जून जुलाई में, ये छोटे मौसम का फसल होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्रोमाइट एंड मैग्नीज ओर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट सिंहभूम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वेस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना था? पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों ही 1990 में जिला बना था। लातेहार कब बना था? लातेहार 2001 में जिला बना था। और गिरिडीह कब जिला बना था? गिरिडीह जिला बना था 1972 में। और रामगढ़ कब बना था? रामगढ़ और खूंटी दोनों ही 2007 में जिला बना था। तो इतने सारे फैक्ट जो याद रखना है आपको। और गिरिडीह को झारखंड धाम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल कोल रिजर्व इन मिलियन टन्स इन झारखंड, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 803556, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 80,356, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सोल प्रोडक्ट ऑफ नन कोकिंग कोल, भारत में कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अच्छा, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड का हाल में ही एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसेन। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ में एक फेमस नेशनल पार्क है, कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। अच्छा, बिहार में भी एक फेमस नेशनल पार्क है, यानी कि टाइगर रिजर्व है, एक्चुअली ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन,
द एरिया ऑफ बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो इज, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड का उपराजधानी क्या है? तो उपराजधानी क्या है? दुमका। और दुमका जिला कब बना था? अभी हमने बताया था दुमका जिला बना था 1855 में, और दुमका का ही एक गांव है जिसको मलूटी कहा जाता है, ये गाँव का मंदिर है। अच्छा, अगर हम पलामू की बात करें तो पलामू जिला कब बना था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, लातेहार जिला कब बना था? 2001 में। गढ़वा कब जिला बना था? गढ़वा, बोकारो और चतरा तीनों ही जिला बना था 1991 में, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद हम अगर बात करें तो झारखंड के और भी उपराजधानी बनाने की घोषणा किए थे हेमंत सोरेन, वो कौन कौन सा था? एक तो था दुमका, तीन कौन कौन सा था? एक था पलामू का मेदिनीनगर, फिर था चाईबासा और उसके बाद था गिरिडीह, यानी कि झारखंड के 4 उपराजधानी बनाने की घोषणा हेमंत सरकार द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड बाय सीएम रघुवर दास एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ झारखंड ऑन 24 फरवरी 2015। तो उस समय के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीके पांडे, ठीक है। लेकिन अगर करंट में पूछे कि करंट में कौन है, तो करंट में है एम भी राव, ठीक है। कौन है? एम भी राव है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, HEC फैक्ट्री इन झारखंड वॉज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया और रूस, दोनों की सहायता से लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया। अगर हम बात करें HEC की, यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और उत्पादन शुरू हुआ था 1963 में। इसके अलावा HEC को कारखानों का कारखाना कहा जाता है, जो कि हटिया रांची में स्थित है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, करंट कौन है मुख्य न्यायाधीश? ये हैं रवि रंजन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री हैज एस्टैब्लिश्ड फाउंड्री फोर्ज कंट्रोलर फैक्ट्री इन रांची, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पूर्व चेकोस्लोवाकिया। और ये जो फाउंड्री फोर्ज है, ये HEC का ही एक यूनिट है, ठीक है, HEC का ही एक यूनिट है, इसलिए चेकोस्लोवाकिया और रूस दोनों को ही सहायता से क्या बना था? फाउंड्री फोर्ज संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, इन द झारखंड स्टेट चांडिल हाइड्रो पावर स्कीम इज ऑन विच रिवर, झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगर हम स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से है? रांची के नगड़ी गांव से है। अच्छा, इसका मुहाना कौन सा है? मुहाना है बंगाल की खाड़ी। अच्छा, स्वर्ण रेखा नदी पर 2 डैम है, एक तो चांडिल डैम है और दूसरा गालूडी डैम है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, विच प्लेस इन झारखंड इज ऑल्सो नॉन एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेतरहाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेतरहाट सबसे ठंडा प्लेस है और सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है कहाँ पर? नेतरहाट में, और इसे पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमशेदपुर को, तो जमशेदपुर को कारखानों का शहर कहा जाता है, भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है और इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम रांची की बात करें तो शहीदों का शहर कहा जाता है और झारखंड का शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनॉगरेटेड, दालमा वन्य जीव अभ्यारण किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, और 1976 में और भी अभ्यारण है जैसे हजारीबाग, महुआ डांड, ये दोनों का ही स्थापना हुआ था 1976 में। अच्छा, महुआ डांड अभ्यारण कहाँ पे है? ये लातेहार में है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन,
बेतला नेशनल पार्क इज द नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार इसका करेक्ट आंसर होगा, पलामू नहीं होगा। ठीक है, पलामू गलत आंसर है, लातेहार इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और ये टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा ये इसमें सबसे पहले बाघ की जनगणना कब हुई थी? 1932 में सबसे पहले बाघ की जनगणना हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ फार इज हुंडरू फॉल फ्रॉम झारखंड बाई रोड? हुंडरू रांची से कितने दूर है सड़क रास्ते से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर बोकारो वॉज गिवेन द स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट? किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? तो मैंने बताया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने कई बार बताया है कि बोकारो, चतरा और गढ़वा तीनों ही जिला बना था, 1991 में बना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फेमस पर्सन फ्रॉम बोकारो? बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? लुगू बुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की, तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको कब दिया गया था? 2007 में दिया गया था। पद्मश्री कब दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था 2009 को। और ये 2007 में क्या जीते थे? ICC T20 वर्ल्ड कप, इसी के कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें करिया मुंडा की, तो करिया मुंडा क्यों फेमस है? करिया मुंडा को 2019 में ही पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ ये 8 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और 4 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा इनका कंस्टिट्यूएंसी क्या रहा है? खूंटी इनका कंस्टिट्यूएंसी रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, चतरा वॉज मेड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग राज्य बना दिया गया था, कब बना दिया गया था? इसे भी कई बार बताया गया है, 1991 में। 1991 में 3 जिला बना था, चतरा, बोकारो, गढ़वा, 3 जिला बना था, कब? 1991 में। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है झारखंड का पोर्शन। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, जहां से साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस दैट इज एसेंशियल टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ? एक बेरंग, बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है VHF स्टैंड्स फॉर, तो VHF का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि बहुत उच्च आवृत्ति, ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है लीवर, यानी कि आकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? ये है पेंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। और सबसे बड़ा ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा है? ये है स्किन, यानी कि चमड़ी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज, लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के माप की एक इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायोप्टर। डायोप्टर इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ का। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस के अलावा अल्फा और बीटा दोनों किरणों का खोज भी इन्होंने किया था। अच्छा, उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन के, तीनों ने सेल्स के न्यूक्लियस का खोज किया था, यानी कि कोशिका के नाभिक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड एज, जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गैल्वेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या करते हैं? एक कोटिंग लगाया जाता है जिंक का, ठीक है, जिंक का एक कोटिंग लगाया जाता है और उसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन।
ये कोटिंग लगाया जाता है या तो आयरन पर या तो स्टील पर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ हीट। एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कंबसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वलन। तो 8 नंबर क्वेश्चन, स्टडी ऑफ कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ किडनी को, यानी कि वृक्क के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। और पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी से संबंधित जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं पेडोलॉजी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच ऑल सब्सटेंसेज हैव जीरो थर्मल एनर्जी इज, तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि -273.16°C, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, द एंशिएंट ओरिएंटल आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्रीज इन ड्राफ्ट फॉर्म इज कॉल्ड, बौने रूप में बढ़ते पेड़ों की प्राचीन प्राच्य कला को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बोनसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, कौन नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हीलियम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है और 18 ग्रुप को इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप कहा जाता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसलिए ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अच्छा, 18 ग्रुप यानी कि इनर्ट गैस का डिस्कवरी कौन किया था, रैमजे ने किया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द पायनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के वैक्सीन के अग्रणी कौन है, यानी कि इसके आविष्कारक कौन है, खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता हैं एडवर्ड जेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लुईस पाश्चर की, तो ये टीबी के वैक्सीन का खोज किए थे, ठीक है, टीबी के वैक्सीन का। उसके बाद नेक्स्ट 13वां नंबर क्वेश्चन, बेरीबेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बेरीबेरी की कमी के कारण होता है, तो किसके कमी के कारण होता है, ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है और विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थायामिन है। अच्छा, राइबोफ्लोविन ये विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है, पैराडॉक्सिन ये विटामिन B6 का है और कैल्सिफिरॉल ये विटामिन D का साइंटिफिक नेम है, विटामिन A का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच आउट ऑफ दीज इज द मोस्ट मिलेबल मेटल, इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है, तो कौन सा है, सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड यानी कि सोना, सोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम पारा की बात करें तो पारा के अयस्क यानी कि ओर क्या होता है, सिन्नेबार होता है, इसका एटोमिक नंबर कितना होता है, 80। नेक्स्ट 15वां नंबर क्वेश्चन, 3D इमेजेस दैट इज प्रोजेक्टेड एंड कैप्चर्ड ऑन अ 2D सरफेस इज कॉल्ड, जब 3D छवियों का प्रक्षेपण 2D सतह पर किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है होलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रेंज ऑफ UHF बैंड इज, तो UHF बैंड का रेंज क्या है, 300 MHz से लेके 3 GHz तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां नंबर क्वेश्चन, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वीनस यानी कि शुक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है, ये पहले था बृहस्पति का लेकिन अब हो गया है शनि का, शनि का 20 नया खोजे जाने के बाद उपग्रह की संख्या हो गया है कितना, 82 हो गया है, जबकि बृहस्पति का 79 है। तो अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि, ना कि बृहस्पति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज, कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी अन्य जीव पर जीवित रहने वाला एक जीव कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है, जिसको हेटरोट्रॉपिक भी बोलते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड। फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, सब्लिमेशन की, तो ऊर्ध्वपतन क्या होता है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसी को कहते हैं क्या, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का एग्जांपल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल इसका क्या क्या है, कपूर, नेपथलिन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 30 क्वेश्चन झारखंड जीके का और 20 क्वेश्चन साइंस का, यानी कि 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इससे पहले पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था 30 क्वेश्चन जनरल जीएस का। इस तरीके से टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड में डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग के 20-20, यानी कि 40 क्वेश्चन हम वहां पर डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।